अरे यस ने खोड़ डाल दिया वाली अरे इतने यार इतने यार कटवा बाला। क्या मामला है आपका? पूरा मामला मेरे पापा का। कहाँ के रहने वाले हैं? अटोली के रहने वाले। जैसा मेरा मकान था ऐसे ही नहीं बना रही हूँ। अगर मैं इधर उधर कर रही हूँ तो मुझे कोई भी कह सकता है, इतना तो मुझे भी पता है ना कि गलत करूँगी तो मुझे सब रोकेंगे। मेरा मकान लैंडर पर जा दिया उन्होंने, झूठी रिपोर्ट दी है मेरी थाने में। कौन लोग हैं? वे पड़ोस में ही है। क्या नाम है? राजकली है, अर्जुन है, जयप्रकाश है, पोपी है, राहुल है, अंतिमा है। राहुल कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? तो आधा पिछले शनिवार को बैठी थी, आधा 9 दिन हो गए। कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? आज ये आएगा। इससे पहले आप डीएम साहब से मिली? उन्हें तो वही दी थी वहाँ क्या बोलना प्रार्थना पत्र। कतौली में कहाँ का मामला है? कतौली में देवीदास। देवीदास हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? बस यही चाहूँ मेरा मकान बनना चाहिए। जिन्होंने मुझे मारपीट करी मैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगवा वो करूँगा रिपोर्ट। ठीक हो गया बोले। आपका नाम? नाम आपका नाम? मेरा नाम बाला है जी। बाला जी आप यहाँ धरने पे थी, पुलिस ने आपको पुचकारा, बहुत हाँ। प्यार दिया, कहा कि आप चल जाओ, वो खतौली पुलिस आपको सुनेगी, फिर वापस क्यों आई हैं? क्या स्थिति बनी है? सिविल एंड थाने से आए थे साहब जी, इन्होंने कहा आप घर जाओ आपका समाधान होगा। हम वहाँ पर गए, कुछ नहीं हुआ जी हमारा वहाँ पर, और हमें गालियाँ दी गई, हमारे चूतड़े पर फट्टे मारे, अगर जेल जाओगी बाला आप जेल जाओगी, और हमारा गलत सलत बोले जी, हमारा बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है हमें वहाँ पर, क्या हमारा इज्जत नहीं है बताओ। मेरा मोदी योजना का मकान है, मैं वो बनाना चाह रही हूँ, अब मैं वो नहीं बनाने की, मुझे तो रिपोर्ट चाहिए इनके, उसमें इंसाफ चाहिए जी मुझे। पूरा मामला क्या हुआ था? पूरा मामला यही है जी, वहाँ पे उन्होंने सारी लिखित पढ़ित कर दी, कहने लगे आके यहाँ पर साइन करो। मैंने कहा जी मेरे हिसाब से कोई साइन मैं नहीं करूँगी, ना मेरे हिसाब से फैसला हुआ। कहने लगे आपके ना चूतड़ों पर फंटे लगेंगे, आप जेल जाओगी। मेरे देवर जी साथ में थे, मुझे कहने लगे बाला बोलना मत, जो कह रहे हैं ना सुन ले। मैं सुनती रही, फिर मैं बस अपने आ गई थी यहाँ पर। आज आप धरने पर हैं, करवा चौथ का पवित्र त्यौहार है। हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है? कि दुख है इस बात का कि आप परिवार के बीच नहीं आज कचहरी में? आप बहुत दुख है जी, जैसे औरतें सब रह रही, मेरा भी तो जी है जी।
आज मैं यहाँ बैठी हूँ अपने दुख के कारण बैठी हूँ, पर मुझे मकान नहीं चाहिए जी। मुझे अपनी यो जो मुझे गाली दी है ना, मुझे इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी थी। मैं बहुत परेशान हो गई जी, पुलिस की बहुत परेशान करी हुई हूँ मैं। कौन दरोगा है जिसने इस तरह की आपसे बदतमीजी की गाली खिलाई? मनोज है जी दरोगा, खतौली दरोगा, खतौली दरोगा है जी मनोज। कितने दिन से धरने पे बैठी? धरने पर तो मैं 9 तारीख से बैठी थी, बीच में गई थी जी मैं सिविलियन थाने के कहने से। मेरी बात हुई उनसे, पूजा की तो क्या मांगा आपने? बस यही मांगा जी, मैं मेरा पति जिंदा रहो, मेरे छोटे देवर हैं ये बने रहो, मुझे मकान नहीं चाहिए। पहले मेरी जो मुझे बेइज्जती की है ना, उसकी रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए जी, इसकी दरोगा की मनोज की, मेरी तो ये है। तो भगवान से इंसाफ मांगा? इंसाफ मांगा जी मैंने भगवान से, बस चाहे मैं सड़क पर रह लूँ, मैं इस बात की परवाह नहीं करती जी, भीख मांग लूँगी, पर मुझे इज्जत मेरी बार बार नहीं आएगी। मैं उस दिन से ही बहुत परेशान हूँ दरोगा जी ने ऐसी बात करी। अपनी वर्दी का भी ख्याल नहीं करा उन्होंने, ये वर्दी किस लिए पहनते हैं जी? ये नहीं तो पहनते सुरक्षा के लिए, गरीब की सुनो है, हम गरीब हैं तो हम इतनी नहीं सुनने के किसी की। मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है जी, मैं अकेली हूँ, मैं हरियाणा की रहने वाली रोहतक जिले की। आज आप बैठी थी पूरे दिन, हो गया पूजा कर रही हैं, कोई किसी अधिकारी ने किसी नहीं जी संपर्क नहीं किया? नहीं नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की मेरे से।